एक्चुअल स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कहने में तो बहुत आसान लगता है पर होता आसान नहीं है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि ये क्या रिकॉर्ड करेगा, कैश कितना आया और कितना गया, फिर भी ये प्रॉब्लम देता है। क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे करते हैं इसको, ये सब देखने के लिए आज हम देखेंगे आज की वीडियो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है हमारी अगली वीडियो, वीडियो नंबर 114। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें इसमें आती हैं और क्या नहीं आती हैं, और जो आती हैं वो क्यों आती हैं और जो नहीं आती हैं वो क्यों नहीं आती है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली लोगों को नहीं समझ में आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज दे स्किप फ्यू क्लासेस। अगर आप इस सीरीज की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा ये है वीडियो 114 से एक भी वीडियो मिस करते हो या एक भी वीडियो ऊपर नीचे होती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, बस फर्क इतना है कि एवरीथिंग इज लिंक विद ईच अदर, सब कुछ एक दूसरे से लिंक हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अगर एक भी पार्ट अगर आपने छोड़ दिया तो वो लिंक बिखर जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें आती हैं और क्या क्या नहीं आती। देखो, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग एन ईयर। ये बताता है कि एक साल के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट, या दो वर्ड है, कैश तो है, कैश के साथ कैश इक्विवेलेंट भी है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो चीजें जो कन्वर्ट हो जाएंगी यू कैश के अंदर, जैसे बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि जल्दी से जल्दी हम चाहें तो उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ड्यूरिंग एन ईयर मतलब क्या है, इसका ध्यान से समझो। जैसे हमने मान लिया एक बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स 2016 और 2015, 2016 में वो हो गई 50,000 जबकि 2016 में थी 20,000, सॉरी 2016 में हो गई 50, 2015 में थी 20। तो हमारा जो कैश फ्लो क्रिएशन होगा वो ये पता लगाने के लिए होगा कि भाई ये जो 30,000 रुपए हैं ये कहां से आए, साल में जो ये 30,000 रुपए हैं ये कहां से आए, और वो पता लगाने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन करने से पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितने पैसों का हिसाब लगाना है, क्योंकि बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई कैश और कैश 2016 में इतना है, 2015 में इतना है, तो हमें ये पता लगाना है कि भाई ये जो 30,000 है ये कहां से आए, ठीक है। हो सकता है कभी कम हो तो हमें पता लगाना पड़ जाए तो 30,000 गए हैं वो कहां चले गए। अब करते कैसे इसका, आपकी बुक बोलोगे तो भाई 2-2.5 पेज का एक फॉर्मेट बनाओ बहुत बड़ा सा, ठीक है। उस फॉर्मेट को क्या करना है याद तो नहीं करना, इतना बड़ा फॉर्मेट तो हम कभी याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे पहले समझेंगे। आज जो जो वीडियो है ये सिर्फ है तो इंट्रोडक्शन, बट इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं यहां बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है समझने के लिए। क्या जरूरी है देखो समझना, हमने पिछले साल आपको याद तो पढ़ा था क्या पीएनएल और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल पढ़ा था, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग से आता था अगर पढ़ा हो तो पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है। फिर आता था पीएनएल, पीएनएल का जो आंसर आता था वो था नेट प्रॉफिट, क्या होता था नेट प्रॉफिट। अब मतलब समझना, नेट प्रॉफिट का मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें सब चीजें कटकटाई लिखनी है, मतलब यहां पे सारी तरीके की एक्सपेंसेस आते थे, यहां पे सब तरीके की इनकम आती थी, अब वो इनकम कैसे भी आई है बस आई है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम मानते हैं कि भाई सैलरी दे दी मैंने तो नुकसान हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन लग गया तो नुकसान हो गया, कमीशन मिल गया तो फायदा हो गया। तो हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट आने के बाद हमने सब तरीके के, भले वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है इधर के हैं उधर के हैं कुछ भी है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम हटा चुके थे, सारे की सारी इनकम को हम जोड़ चुके थे। अब कैश फ्लो में क्या करना है हमें, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन जो है वो नेट प्रॉफिट से ही करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा हमें, यानी कि चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो है हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उसकी मदद से करना है। तो हमें क्या करना है, यहां से उठ के वापिस चलना है,
यहां से उठ के वापिस चलना है। वापिस क्या चलना है मतलब हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मानो कि एक कमरा है, ठीक है एक कमरा है, ठीक है उसमें सारी चीज आ रही, सब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उस कमरे में बैठे हुए सारे, कुछ लोग हैं जिनको हमने हटा दिया जो बैठे नहीं काम से, बाकी लोगों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें इन लोगों को कैटेगराइज करना है, इन लोगों को कैटेगराइज करना है कि भाई इनमें से कौन से लोग हैं जो कि मॉर्निंग है, जो कि सुबह 5 बजे उठते हैं, कौन से लोग हैं जो रात को लेट सोते हैं, कौन से लोग हैं जो दिन में 2 बार खाना खाते हैं, कौन से लोग हैं जो दिन में 10 बार खाना खाते हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों को कैटेगराइज करना है। अब समझना, क्योंकि कैटेगराइजेशन डिफरेंस हो रखा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट पे हैं तो सबसे पहले बताना चीज को, नेट प्रॉफिट में सारे तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या नॉन कैश हो, ठीक है। पर कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं जो कि कैश से रिलेटेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगने से क्या कैश की हेराफेरी हुई, नहीं हुई, तो डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में नहीं आना चाहिए। पर डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट में तो कटा हुआ है क्योंकि हमने यहां डेप्रिसिएशन लगता है ना। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनसे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेट प्रॉफिट लाने के लिए हमने उन सब चीजों को हटा रखा है, या फिर अगर ऐसी इनकम है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको हमने जोड़ रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम यह है कि नॉन कैश आइटम्स को हटाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है वो आज ध्यान से समझना गाइस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत टेढ़ा नहीं है पर टेढ़ा है। देखो हम कैटेगराइज करते हैं चीजों को तीन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज जो बिजनेस के ऑपरेशन से हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट, जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड चीजें हैं वो सब इसमें आएंगी कि भाई करंट स्टॉक कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग किससे रिलेटेड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स बेचे या खरीदे वो। उसके बाद थर्ड एक्टिविटीज आती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब इट इज रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ द फर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर शेयर बेचे हैं तो शेयर खरीदे हैं तो वो सब इसमें आएगा। और कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे हम इसको, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, ये तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये तो बेसिक कैटेगरी है जो कि हमारी इसमें आती है, कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश फ्लो। इससे पहले हम कुछ कैटेगरी और बनाते हैं गाइस, समझने की बात है, पूरा मैं समझा रहा हूं, आज का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। दो चीजें हमें करनी है, वो दो चीजें मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना पड़ेगा, उसके बाद नॉन कैश आइटम्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। अब देखो ये 5 चीजें 6 चीजें हैं जो कि हमें कैश फ्लो में कैटेगराइज करनी पड़ेंगी, हमें पूरा क्वेश्चन गिवन होगा, हमें बस उनको छांटना है अलग, तो हमें छांटना आना चाहिए। कैसे छांटना आएगा देखो, क्योंकि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद का काम है, तो टैक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम कहां देखेंगे, यहां पे देखेंगे, सबसे पहले ये निकालते टाइम यहां आ जाएंगे। अब जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स क्या होता है, टैक्स देने से पहले। अब समझना इस चीज को, अब क्या करेंगे हम, पहले उन आइटम्स को हटाएंगे या जोड़ेंगे जिनसे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि नेट प्रॉफिट में तो है पर कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से नेट प्रॉफिट कम हो गया पर कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट को हटाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को वापस से जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दीज आर नॉन कैश आइटम्स जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ा पर नेट प्रॉफिट कम हो जाता है।
क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम कैश नॉन कैश तो देखते ही नहीं है, नेट प्रॉफिट मतलब हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। और कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिससे कैश में फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो? गुडविल रिटन ऑफ, जैसे फर्म की गुडविल थी 60,000, अब हो गई 30,000 या 25,000 हो गए, तो भाई ये 35,000 जो हुए ये लॉस है हमारा कि गुडविल कम हो गई, पर इस लॉस से कैश पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो गुडविल रिटन ऑफ भी जुड़ जाएगा, ठीक है? जितने भी हम प्रोविजंस बनाते हैं वो सारे प्रोविजन बनने से कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो प्रोविजन का पैसा है वो बिजनेस के अंदर ही लिखा हुआ है, बिजनेस के अंदर ही है ना पैसा, कहीं बाहर तो नहीं गया, तो इसीलिए वो प्रोविजन भी किसी काम के नहीं है क्योंकि उनसे कैश का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो वो भी यहां जुड़ जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां जुड़ेंगी। ये जुड़ने के बाद फिर हम करेंगे ये तीन काम, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक एक करके समझना गाइस, समझने का बिल्कुल सर, समझो आज इसको। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दे आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो एक्टिविटी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी इनसे रिलेट करती है वो ऑपरेटिंग में आती है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल्स, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? इसमें आएंगी। तो जब भी कुछ पूछे भाई यार ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। तो हमें ये माइंड में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी एक्टिविटी कहां जाने वाली है। अगर सिर्फ इतना पता चल गया ना तो हम क्वेश्चन करने लायक बन जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, समझ लो। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आते हैं तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से? जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे वो सब इन्वेस्टिंग में, खरीदा बेचा वो सब ही आ गए, ठीक है? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में रिलेटेड टू शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने पढ़ा है, जो कि कैश या कैश से रिलेटेड है, जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, हमारा पेटीएम बैलेंस भी हो जाएगा अब तो, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें, मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? तो ध्यान से समझो इस चीज को। कुछ और चीजें आप यहां बता दें, हाँ अभी मैं टेस्ट भी लूंगा, लाइव टेस्ट लेते हैं अपने इसको। हाँ देखो एक चीज और, कैश फ्लो दो तरीके के होते हैं, तो सबको पता है, एक होता है कैश इनफ्लो, एक होता है कैश आउटफ्लो। कैश आना या कैश जाना, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, ठीक है? अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो हम उसको जोड़ देंगे, और जा रहा है तो उसको हटा देंगे। आ रहा है तो जोड़ो, जा रहा है तो हटा दो, वही काम करना है हमें, बस यही करना है। क्योंकि देखो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब हम ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं तो हम कैटेगरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख के चलते हैं, जबकि कैश फ्लो बनाते टाइम हम कैटेगरी कैश से रिलेट करते हैं कि भाई कैश का इनफ्लो है तो, कैश का आउटफ्लो है तो, है ना? अब क्या करते हैं, चलो आज हम थोड़ा सा ऐसे ही कुछ करते हैं, हम करते हैं एक टेस्ट। टेस्ट का मतलब मैं भी यहां कुछ एक्टिविटीज बोलूंगा, आप लोगों को बताना है कि वो एक्टिविटीज कहां आने वाली है। मैं उसका आंसर लिखूंगा, यू नो यू आर योर ओन टीचर, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप सही हो या गलत हो। चलो हम बोलते हैं, अभी ये बात नहीं कर रहे कि वो कैश फ्लो में जुड़ेगा या कैश फ्लो में से हटेगा, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो इन सब जगहों में से कौन सी जगह आने वाला है, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल से, बैंक बैलेंस। कहां आएगा भाई बैंक बैलेंस? नहीं 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 नहीं, कैश और कैश इक्विवेलेंट, यहां आ गया बैंक बैलेंस, ठीक है भाई? अब देखो समझना इस चीज को, यहां क्यों आया, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट है। एक तो और चीजें बताते हैं, हाँ और क्या होगा, हाँ फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, मशीनरी खरीद ली मैंने, कहां आएगा? आ गया मशीनरी खरीदी, कहां आएगा? इन्वेस्टिंग में, मशीनरी। प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे कि ऐड होगा या माइनस होगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे। और हम बात करते हैं कि हमने अपने डिबेंचर्स या शेयर बेच दिए अपने, या नहीं खरीद लिए, बाय बैक ऑफ शेयर, हमने खुद के शेयर वापस खरीद लिए, कहां आएगा? खुद के शेयर खरीदे तो कैपिटल में फर्क पड़ा, यानी कि कहां जाएगा? खुद के शेयर खरीदे तो फाइनेंसिंग में, शेयर्स का बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स। अब देखो ये जो चीजें मैं आप बता रहा हूं, ये शायद 80% लोगों को लगे कि ये फालतू का टाइम पास हो रहा है, बट ये चीजें आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है हमारे, क्योंकि कैश फ्लो में कैटेगराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैटेगरी बनाने के बाद तो हमें बस उसको वहां पटकना है, यूं फेंकते जाना उधर उधर, ठीक है? समझ में आ गया? देखो सर,
और बोलते हैं, और हमने बोला जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं क्या करा, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो बढ़ा दिया, पिछले साल 8,000 था इस साल 10,000 कर दिया, बोलो कहने का पीबीडी 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 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, समझ में आ गया आप लोगों का आएगा, जिसको नहीं आया वो आएगा यहाँ पीबीडी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है पीबीडी का मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो भाई जब प्रोविजन बढ़ाया उससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पैसा तो बिजनेस के अंदर ही है, जब अंदर है तो वो कहां जाएगा, उससे नेट प्रॉफिट पे फर्क तो पड़ा ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो सारे एक्सपेंस आते हैं, तो वो कहां जाएगा, नॉन कैश आइटम्स है इसलिए वहां पे लिखा जाएगा। अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे कि ये जुड़ेगा या हटेगा, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कैटेगराइजेशन कहां होगा इस चीज का, ठीक है। और देखते हैं, और बोलो, और मान लो, और बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब कंपनी जो होती है वो टैक्स के लिए एक प्रोविजन बनाती है, ठीक है भाई टैक्स कितना पेमेंट करना है, तो वो कहां आएगा, वो यहां आएगा, ठीक है प्रोविजन फॉर टैक्स। और इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो पे किया वो भी यहां आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटर्स को पेमेंट कर दी, कहां आएगा, डेटर्स कम हो गए, डेटर्स बढ़ गए, पेमेंट कर दी, कहां आएगा, डेटर्स क्या है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं यहां पे, ठीक है। डेटर्स के बाद और वो लोग कहां चले, कहां चले, हम चलते हैं फर्नीचर बेचने, फर्नीचर बेचा कहां आया, इन्वेस्टिंग, फर्नीचर बेचा तो यहां, डिबेंचर इशू कर दिए नए, नए डिबेंचर इशू करे कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कहां आया फाइनेंसिंग, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, कहां आएगा ऑपरेटिंग, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के बेचने से नुकसान हुआ, कहां आएगा, अब समझो ये थोड़ा अच्छा है बात है, यहां आएगा कैसे, देखो जब फिक्स्ड एसेट्स को बेचा तो वो उसके प्राइस में ही कट गया ना, प्राइस में कट चुका हूं, हमें यहां क्या करना है, नॉन कैश आइटम, एक चीज और है यहां पर, नॉन कैश आइटम के साथ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी यहां पर एडजस्ट करना है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब जो ऑपरेटिंग के नहीं है, कौन से ऑपरेटिंग है, जो कहीं और के बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो नेट प्रॉफिट में सब लोग सब कुछ है, सबसे पहले हमने टैक्स वगैरह कटा दिया, उसके बाद जो नॉन कैश है उनको कटा दिए, अब जो चीजें मुझे यहां आगे लिखने वाला हूं वो उनमें से कुछ चीजें भी यहां जुड़ी हुई है ना, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में सब है, तो भाई जो चीजें इन्वेस्टिंग में मैं लिखने वाला हूं इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में वो अभी भी यहां जुड़ी हुई है, तो उसको वापस तो लिख नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले उस चीज को वहां से हटाऊंगा, तो यहां पे आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, कैसे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस कह रहा हूं, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के बेचने से जो नुकसान फायदा हुआ वो, ठीक है। अब देखो जब नुकसान हुआ फिक्स एसेट्स बेचे तो सेलिंग हुई तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, सेल्स आ जाएगी यहां पे फिक्स एसेट्स की, ठीक है, उससे जो फायदा नुकसान हुआ वो सब यहां एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो मुझे मैं इसको यहां क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई वो यहां की चीज है, यहां की नहीं है, वो हटानी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहां उसको दिखाना है, तो इसलिए मैंने क्या करा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को यहां से हटा दिया। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा वो भी यहां से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई वो यहां का है तो वो इन्वेस्टिंग में जब एसेट्स बेचेंगे खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एसेट्स खरीद थे मेरे पास एसेट्स 1,00,000, मैं उसको 1,50,000 में बेचा तो सेलिंग प्राइस 1,50,000 हो गई तो ऑटोमेटिकली 50,000 का प्रॉफिट जेब में आ गया, कंपनी के पास आ गया, ठीक है, तो उसको अलग से शो करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या करा यहां से उसको गायब कर दिया, अगर जोड़ रखा था तो हटा दिया, हटा रखा था तो जोड़ दिया, ताकि क्या हो गया उसका इफेक्ट खत्म हो गया, उसका इफेक्ट खत्म होने के बाद मैंने उसको क्या करा इन्वेस्टिंग में दिखा देंगे। तो हमें क्या करना है इन चीजों को कैटेगराइज करना आना चाहिए, जब हमको कैटेगराइज करना आ जाता है तो हम उसको बहुत ही इजीली कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ इसलिए थी ताकि आप लोग क्या करो कैश फ्लो से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ कि कैश फ्लो क्या है, किस तरीके से कैश फ्लो को करना है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उस वीडियो में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है और किस तरीके से कैश फ्लो का फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है,
उस फॉर्मेट में हम अपना थोड़ा सा तिकड़म लगा के उस फॉर्मेट को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा वो फॉर्मेट, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसके क्वेश्चंस करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो इज दिस कि कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है। अगर मैं कोई भी चीज बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो इन सब में से कहां आने वाली है। अगर ये चीजें पता होंगी तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैश फ्लो इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अगर आपको कैटेगरी पता है तो आप अरेंज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सिर्फ इतना है, जैसे किसी क्लास में होता है ना कि भाई 12th क्लास है, अब चार सेक्शन में, तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन से सेक्शन का है तो ही आप उसको वहां बिठा सकते हो, वरना आप उसको वहां नहीं बिठा सकते। थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये चीज, पर गाइस ये चीज आप लोग देखो, अपनी बुक उठाओ, बुक में से कोई भी कोई भी आपकी कैश फ्लो के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको देखो कि हाँ भाई ये कहा आना चाहिए, वहां आना चाहिए, ये कहा आना चाहिए, वहां आना चाहिए, एंड चेक इट आउट कि आप कितना सही हो और आप कितना गलत हो। उसके बाद हम करेंगे कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चन, देखेंगे फॉर्मेट किस तरीके से समझा जाता है और करेंगे बहुत सारी चीजें। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट सड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अटेंशन ना लो, आपका कोर्स इसी महीने यानी कि दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा। सो गाइस कीप ऑन वाचिंग।